सच कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता कि उसे छीन के लाएंगे और सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। ना तो पहले गलती हुई थी, ना अभी गलती हुई है। कांग्रेस हमेशा अनुसूचित जाति के विरोधी रही है। भाजपा ने 6 सीटों पर जो हम कह सकते हैं टिकट की घोषणा कर दी है और अब चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कहा जा रहा था कि भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस उनको कैसे बचाएगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी मौजूद हैं। भाई साहब, 6 सीटों पे घोषणा हो चुकी है और शुरुआत से बीजेपी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता कह रहा था हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस को बचाने की ज़रूरत है और जो कांग्रेस के पास है उससे भी हम छीन के ले आएंगे, क्या कहेंगे? सच कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता कि उसे छीन के लाएंगे और सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। कई ऐसी सीटें हैं जैसे 5 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो बदले गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो गलती जो विधानसभा लोकसभा में टिकट वितरण में उसे अब सुधारा गया है? ना तो पहले गलती हुई थी, ना अभी गलती हुई है। अब किन मुद्दों को लेकर इन चुनावों में उतरे? राजस्थान की जनता राजस्थान का विकास देख रही है, राजस्थान का शासन देख रही है और केंद्र सरकार का जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री उनका काम देख रही है, देश को सम्मान दिलाना काम, देश की रक्षा करने का काम और सर्वांगीण विकास और सबके चेहरे पर मुस्कान वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसके आधार पर जनता वोट करेगी। वैसे अब ये देखा गया है विधानसभा लोकसभा चुनावों में कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने, स्पेशली हम राहुल गांधी की अगर बात करें, आरक्षण के नाम पे, जातिगत समीकरण बिठाने के नाम पे नीची जातियों को या दलित वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की गई है। राजस्थान में भी हम बात करें तो आपके ऊपर और बैरवा जी के ऊपर बहुत सारे हमले किए गए, इसको क्या कोई खास रणनीति आप विपक्षी मानते हैं या दलित विरोधी चेहरा उन्हें मानते हैं? कांग्रेस हमेशा अनुसूचित जाति के विरोधी रही है। आपने देखा हुआ डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे महान पुरुष के भी खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा, तो उनकी आदत जाति नहीं है। तो इस सिर्फ यही वजह है कि बार बार आपके ऊपर और बैरवा जी के ऊपर हमले किए जाते हैं कांग्रेस के? मैंने कहा ना, इनकी आदत ठीक नहीं है, गंदी पड़ी हुई है, अच्छे लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन अब राजस्थान की जनता समझ गई है, इनके भुलावे में आने वाली नहीं, इनके कहने में आने वाली नहीं, ये कितना ही गलत चर्चा करे उसको मानने को तैयार नहीं जनता। ये तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन सीटों पर 5 प्रत्याशी बदले गए हैं, ना पहले भाजपा ने गलती करी ना अब भाजपा गलती कर रही है और 6 सीटों पर घोषणा कर दी गई है, 1 सीट जो बची है उस पर भी जल्द घोषणा की जाएगी और तमाम सीटों पर भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। और विपक्ष जो लगातार मदन दिलावर जी के ऊपर, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के ऊपर जो हमले करता आया है, उस पर दिलावर जी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है, ये अपने से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहती और शायद यही वजह है कि लगातार उनके इस तरह के उल्टे सीधे बयान मीडिया में लगातार आते रहते हैं। रही बात आने वाले 7 विधानसभा चुनावों की, तो परिणामों में साफ दिखाई देगा कि जनता ने किसके ऊपर मोहर लगाई है और किसको जिताया है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।